फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम पॉलिनोमियल का 6th वीडियो, जिसमें हम पूरे चैप्टर को बचे हुए को कवर करेंगे, पॉलिनोमियल का 6th पार्ट। इससे पहले हमने 5 पार्ट बनाए हुए हैं, आपने देखे होंगे। तो पॉलिनोमियल के जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के आगे चलते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के आगे चलेंगे तो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होगी। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपने पहले पढ़ रखी है तो ये आपको याद होगी। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी, एक स्पेशल आइडेंटिटी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक हम अब कुछ क्वेश्चंस देखने चालू करते हैं आपके। आपकी एक्सरसाइज है 2.5, लास्ट एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 2.5 में, एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्लिक का हुआ है कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। जैसा पहला क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू। इसको फॉर्मूला कोई सा यूज होगा, उस फॉर्मूले का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखो उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या है यहाँ पर? ए कौन है? ए 4 है और बी 2 है। ए कौन? 4 और बी 2। क्या रिजल्ट है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इस हिसाब से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये इसका आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट सेम है। इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट, वो ले लेते हैं हम। 3x प्लस 4 3x माइनस 5, इसमें भी यही सिमिलर कंसेप्ट लगाना है। तो आप ऐसा लिख लें इसको पहले, तो आपको लगाने में आसान रहेगा। 3x प्लस 4 3x प्लस माइनस 5। अब आप ए और बी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। और फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर धिस इंटू धिस। तो 3x, ये x है आपका, तो 3x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 4 प्लस बी, बी इज माइनस 5 प्लस, सॉरी, इंटू एक्स भी है। एक्स कौन है आपका? 3x है, तो यहाँ 3x आएगा प्लस 4 इंटू माइनस 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, बड़ा आसान है। 9x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x माइनस 20। ये इसका सी का आंसर था, जो थर्ड पार्ट था। अब इसी तरीके से आपके पास है फोर्थ और फिफ्थ। तो मैं फिफ्थ चूज करता हूँ करने के लिए, जो इसका फिफ्थ है। 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ये तो बेहद आसान है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लगेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी? नंबरिंग अगर कर देंगे तो यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
तो अभी इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी हमारी? इसमें हमने यूज की है सिक्स्थ आइडेंटिटी। और इसमें हम यूज कर लेंगे आइडेंटिटी नंबर थ्री। तो आइडेंटिटी नंबर थ्री से हो जाएगा 3² - 2x² ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ए है आपका, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी, यहाँ लिखा है ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3² = 9 - 2² x² 4x² तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन, जो पहला नंबर था उसका सॉल्यूशन। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें, मुझे लिख भेजें। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप अभी घर में ही होंगे और घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई दूसरी रेफरेंस बुक भी इस्तेमाल करते हैं आप तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस्तेमाल करें, आप लिखें और सॉल्व करें, मुझे लिख के ज़रूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर टू है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेकंड का, ये इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 103 + 8 - 107। तो 103 और 107 को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 100 + 3 - 100 + 7। और कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं? आइडेंटिटी नंबर सिक्स। आइडेंटिटी सिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है? 100। ये एक्स है, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। 100² + a + b। ए प्लस बी कौन? 3 + 7 इंटू 100 + 3 × 7। ये हो गया आपका 100² means 10,000 प्लस 3 + 7 10 10 × 100 1000 प्लस 21। अब आप इसको आसानी से ऐड कर दें। तो अगर आपको ऐड करने में एकदम कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप पुरानी स्टाइल में चले जाएं, 10,000 + 1000 + 21। ये बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट ऐड करने की जगह ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 1201 1101 01 11,021 आ गया। ये इसका आउटकम हो गया 11,021। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास टू है 95 × 96। नंबर टू 95 × 96 95 × 96। तो 95 को क्या लिख दें आप? लिख दीजिए 100 + - 5 इंटू 100 + - 4। 100 में इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना, 100 का क्यूब निकालना, ये सब आसान होता है। फिर यही कंसेप्ट यूज कर लें सिक्स्थ वाला, 100² + -5 + -4 इंटू 100 + -5 × -4। ये हो जाएगा 10,000 - 5 - 4 - 9 - 900 - × - + ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 10,000, 20 में से 900 माइनस करना, तो ये आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो 10,000 - 900, पहले 10,000 में से 900 अपन अगर माइनस कर दें तो अपने पास क्या बचेगा? 9,100 बचेगा। 9,100 में जोड़ देंगे तो 9,130
सॉरी ये 20 है ना, 9120, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी आउटकम आ जाएगा। अब अगर आपको थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 104 into 96, ये सबसे अच्छा है और सरल है। 100 प्लस 4 और उसको लिख दो 100 माइनस 4, इसमें कौन सी वाली यूज करना है, थर्ड वाली, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर 10,000, 10,000 में से 16 आप माइनस करके लिख दीजिएगा, जो भी आउटकम आएगा वो लिख दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। बेहद आसान है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, मेरे पुराने वीडियोस आप जरूर देखिएगा, पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में थ्री में आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए जो पुराना प्रिंसिपल है हमारा वही काम करेगा, देख लेते हैं आप इसको। 9x² प्लस 6xy प्लस y², आप अगर इनमें से कोई सा यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, देखें एकदम से कोई जम जाता हो आपको। जैसे 9x² है, 9x² को क्या लिख सकते हैं आप, 3x होल स्क्वायर। b² कौन है आपका, y² प्लस आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 2 into 3x into y, इस 6xy को आपने लिखा 2 into 3x into y, क्योंकि इसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, a² + b² + 2ab। अब पहचानो कि a कौन है, a है 3x, b कौन है y, a 3x b कौन y, तो फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा a + b होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 3x + y होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर मतलब 3x + y into 3x + y, ये फैक्टर हो गए, दो बात हो गई ना इसमें, 3x + y into 3x + y, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब अगर थर्ड का सेकेंड देखोगे आप, तो थर्ड के सेकेंड में 4y² माइनस 4y + 1 है, तो 4y² को पहले लिख दें आप 2y होल स्क्वायर, प्लस ये 1 को लिख दें b² माइनस 4y जो है उसको लिख दें माइनस 2 into 2y into 1। अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा, अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा उसका a² + b² - 2ab इज इक्वल टू क्या बन गया, a - b होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया यही चीज, डायरेक्ट यही लिख दूं क्या, 2y - 1 होल स्क्वायर, ये आपका थर्ड, इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट है, थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब थर्ड का थर्ड पार्ट है वो और इजी है, थर्ड का थर्ड पार्ट x² - y² / 100, इसमें ऐसा लिख दें आप x² - y/10 होल स्क्वायर, और a² - b² लगा दें इसमें, a² - b² एक इसको अज्यूम करेंगे, इसको b, इसको क्या हो जाएगा आपका a - b a + b। कौन सा रिजल्ट यूज़ किया हमने, हमने रिजल्ट यूज़ किया थर्ड वाला, a² - b² इज व्हाट, a + b into a - b। तो आगे पीछे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, a - b पहले लिख दिया, a + b बाद में, नो प्रॉब्लम, लिख सकते x - y/100 y/10, और ये दूसरा हो जाएगा आपका x + y/10। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चंस देखे, तीनों क्वेश्चंस के लगभग सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कॉम्प्लिकेटेड थे। कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आपको सेल्फ ट्राई करना है ना। अब हम अगले रिजल्ट पे आते हैं जो और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, शायद ही आपने पहले पढ़ा हो, उसको देखते हैं कि उसको कैसे यूज करना है और वो रिजल्ट क्या चीज है। तो पहले उस रिजल्ट का छोटा सा एक प्रूफ,
फिर प्रूफ के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो रिजल्ट इस तरह से है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रिजल्ट की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी ऐसी। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, ए प्लस बी को एक मान लो प्लस सी को दूसरा मान लो और इसका प्रूफ इससे करते हैं। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगा दो क्योंकि ये पुराना फार्मूला है, ये आपको आता है तो इसका यूज कर सकते हो आप, तो इसका यूज कर लो। क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए की जगह कौन है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज बी, इसको ए मानेंगे इसको बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस दिस इंटू दिस। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर भी आप खोल लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस इसको भी ओपन कर दो टू ए सी टू बी सी। अब इसको जमा दो, अब इसको जमाओगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ये आपके लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फोर्थ का जो फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी बुक का एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर। तो बस ए इसको समझना है, इसको क्या समझना है बी, और इसको क्या समझोगे आप सी, और फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए कौन है एक्स, बी टू वाई सी फोर जेड प्लस ट्वाइस ए बी टू ए बी, ए बी कौन है एक्स इंटू टू वाई प्लस टू बी सी टू बी सी बी सी टू वाई इंटू फोर जेड प्लस टू ए सी एक्स इंटू फोर जेड एक्स इंटू फोर जेड। तो ये आपका एक्सपेंशन है। अब इस एक्सपेंशन की हमने वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकाल दें, इसको सिंप्लीफाई करना है केवल, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई होल स्क्वायर हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन जेड स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू टू फोर एक्स वाई प्लस टू इंटू टू इंटू फोर सिक्सटीन वाई जेड प्लस टू इंटू एक्स इंटू दिस, तो टू फोर जा एट एक्सेड। ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5th। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 4th और 5th बहुत अच्छे सवाल है, तो 4th वाला अपन डिस्कस करते हैं। 4th वाला क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे दो जगह क्या आ गया आपके पास, माइनस माइनस आ गया। तो इनको ऐसा कर दें, अपन ऐसा कर लेते हैं 3a प्लस माइनस 7b, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें आप, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b। देखिए 2a एंड b, टू दिस इंटू दिस टू दिस इंटू दिस प्लस टू दिस इंटू दिस बी इंटू सी प्लस टू इंटू माइनस सेवन बी इंटू माइनस सी प्लस टू इंटू थ्री ए इंटू माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, थ्री स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स सिक्स सेवन जा फोर्टी टू ए इंटू बी प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस टू सेवन जा फोर्टीन फोर्टीन बी सी प्लस इंटू माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स ए इंटू सी। तो दिस इज द आउटकम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है और 6 भी इसी टाइप का है, फिर भी हम
देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट को। फोर्थ के फिफ्थ पार्ट को अब मेरे ख्याल से इन फॉर्मूले की अभी जरूरत नहीं है, तो इनको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ, तो फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है वो इस तरह से है, -2x + 5y - 3z, -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -2x + 5y + -3z होल स्क्वायर। और अब आप बड़े आसानी से कर लेंगे, और एक बार जब आपने कर लिया तो बहुत फ्रिक्वेंटली कर लेंगे, जैसे कि अब मैं फ्रिक्वेंटली करता हूँ। इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2² 4x² प्लस b² तो इसका स्क्वायर, 5y² तो 25y², इसका स्क्वायर तो 9z². ये तीनों प्लस प्लस के आएंगे, क्यों? क्योंकि जब इनका स्क्वायर होगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, ट्वाइस दिस इंटू दिस, तो 2 × 2 = 4, 5 = 20 और -(+) 20xy, 2 × this × this 2 × 5 = 10, 10³ = 30 -30yz और आखिरी में आएगा 2ac, तो 2 × −2 − 4 − 4 × −3 + 12 12xz। तो ये इसका आउटकम है, ये आप बिल्कुल आसानी से और डायरेक्ट कर पाएंगे, इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये फोर्थ का फिफ्थ पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें फैक्टराइज करने की लिए पूछा है आपको, ये है 4x² 9y² 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। सेकेंड ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, तो हम इस पे ध्यान दे देते हैं। इसको सबसे पहले ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, तो ये जाएगा आपका 2x² होल स्क्वायर। इसको लिखिए बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये जाएगा 3y²। इसको लिखिए सी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये जाएगा 4z होल स्क्वायर। अब इस वाले में को क्या लिखना है, 2 × this × this, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अपन देखो, 2 × 2x × 3y, देखो लिख सकते हैं क्या, अलग लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12xy, 12xy। अब इधर क्या आ गया है अपने पास, माइनस आ गया है, देखते हैं अभी इसको, 24 को क्या लिखना है अपने को, 2 × this × this 2bc, तो इसको लिख दो आप 2 × 3y 4z, ये लिख दिया। अब ये वाला भी देखिए, इस वाले को भी लिख दीजिए आप, प्लस इसको लिखना है 2 × this × this, तो 2 × 2x × 2x × 4z। अब आप इसमें माइनस लगाएं कि माइनस किस में लगाएंगे, तो अगर ध्यान से देखो आप, इन दोनों को हमने प्लस प्लस रखा है, तो y वाली चीज कौन सी हो गई, प्लस की हो गई, तो z में आप क्या लगा दें, z वाले में माइनस लगा दें, इधर भी z वाले में माइनस लगा दें। फिर से मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि क्या किया हमने, देखो ये तो दोनों प्लस के मान लिए हमने, एक्स वाई वाले को ये प्लस के हो गए, तो अब बचा माइनस का कौन, z, तो z वाला माइनस का हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लग गया आपका, कौन सा वाला, a² + b² + c² 2ab + 2bc + 2ac, ये आ जाएगा आपका a + b + c होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 2x + 3y + -4z। इसमें भी माइनस लगा सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये -4z होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा हो जाएगा 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन, ये फिफ्थ का हमने फर्स्ट पार्ट किया। इसको देख के आप सेकेंड पार्ट करना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे शेयर करना और मुझको बताना
शर्माने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी आपको, आप वो बिल्कुल भी मुझसे बिना चिंता के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम दुरुस्त कर पाऊँ। तो अभी तक हम पहुँच पाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमारे पास हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 15 तक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम 15, 16, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा, अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो और तब तक के लिए आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, अपने मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।